फिक्स कर दिया गया है अग्निवीर वालों को, 12 से 13 हजार सिर्फ अग्निवीरों का हक रहेगा। हम और आप अग्निवीर रहेंगे तो हम और आप उसमें पेपर देंगे, उसमें सिविलियन का हक नहीं रहेगा। हम ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला था। ये सारे के सारे लड़के बौखला गए थे। 25% लोगों को रखा जा रहा है ना, बढ़कर 50% हो सकती है। अभी तो पता नहीं चलेगा ना, अब जो कुछ भी होता है वो तो ऑटोमेटिक में होता है। जय हिंद एवरीवन। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी की तैयारी में लगे हुए हो ना, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है मेरे भाई। देखो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जब इंडियन आर्मी के अंदर TOD लागू हुआ, जब इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया, और जब भर्ती 4 साल की कराई गई ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो देखने को मिल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। आप लोग मेरा पूरा बात समझने का कोशिश करना, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज़ दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता है कि अग्निवीरों को कहां कहां छूट मिलेगा। अभी देखो जितना भी पैरामिलिट्री फोर्स की भर्तियां कराई जाती है ना, अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि मतलब उसमें सिर्फ एज में छूट मिलेगा। अभी जैसे नोटिफिकेशन जब निकाला जा रहा था, तो बोला जा रहा था कि जो आसाम राइफल की भर्ती कराई जाती है, आसाम राइफल का जो वर्दी होता है ना, सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है, और मतलब वो तो परमानेंट भर्ती होता है यार। हमारे बहुत सारे दोस्त आसाम राइफल में भर्ती हुए हैं, और उसका जो लेवल होता है ना, वो भी ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है। उसमें जो ट्रेड टेस्ट होता है ना, ट्रेड टेस्ट ही ज़्यादा हाई होता है। तो मतलब बहुत सारे लोग आसाम राइफल में भर्ती हो चुके हैं, उन लोग का वर्दी भी सेम इंडियन आर्मी के जैसा है। यहाँ जो फीता रहता है ना, वही थोड़ा रेड कलर का रहता है। राइफल भर्ती में अभी अग्निवीरों के लिए सिर्फ इतना बताया गया है कि उन लोगों को सिर्फ एज में छूट मिलेगा, उम्र में छूट मिलेगा। मतलब पहले बैच में जो लोग अग्निवीर में भर्ती हो गए, उन लोग को उम्र में 5 साल का छूट मिलेगा, और जो लोग दूसरे बैच से अग्निवीर में भर्ती होंगे, उन लोग को उम्र में 3 साल का छूट मिलेगा। अभी CRPF की तरफ से 1,30,000 भर्ती निकाली जाने वाली है भाई। आप लोग इस बार वर्दी ले लेना है मेरे भाई, अपने तरफ से 100% देना। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, बस आप लोगों को पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करना है। जिस तरह ग्राउंड में जाकर दिलो जान से दौड़ते थे ना, उसी तरह से पढ़ाई करना है, किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा ना कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, सब लोग ये बोलेंगे ना अब तुम्हारा ज्यादा उम्र हो गया है भाई, अब तुम तैयारी हो जाए छोड़कर बाहर चले जाओ, आपके दिमाग को प्रेशर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना है। अभी एक न्यूज देखने को मिला है, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया था, जैसे जो CRPF की भर्ती निकलने वाली है ना 1,30,000, वो फेक नोटिफिकेशन नहीं है, रियल नोटिफिकेशन है। उसमें 10% मतलब 12 से 13 हजार सीट अग्निवीरों को फिक्स कर दिया गया है, मतलब उसमें सिर्फ अग्निवीरों का हक रहेगा, दूसरे किसी का हक नहीं रहेगा। तो ये हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है भाई, क्योंकि जितने लोग अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए हैं, वो लोग बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा उदास है कि भाई हम तो सिर्फ अगर भर्ती भी हो जाएंगे तो 4 साल के बाद हम रिटायर होकर घर आ जाएंगे। लेकिन काफी ज्यादा उन लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है भाई। 12 से 13 हजार सिर्फ अग्निवीरों का हक रहेगा, और आने वाले समय में पैरामिलिट्री फोर्स की जितनी भी भर्तियां कराई जाएंगी ना, उसमें मतलब कुछ परसेंट सिर्फ अग्निवीरों का हक रहेगा। उसमें मान लो 20,000 मतलब SSCD में 20,000 भर्ती निकाली गई, तो उसमें 5 से 6 हजार सिर्फ अग्निवीर में कंपटीशन होगा। मान लो हम और आप अग्निवीर रहेंगे, तो हम और आप उसमें पेपर देंगे, उसमें सिविलियन का हक नहीं रहेगा। तो इस तरह से आने वाले समय में होने वाला है। फिलहाल जो भी न्यूज निकला है, सारी न्यूज बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये वीडियो सभी लोगों के लिए। साफ साफ लिखा गया है, अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले जवानों को CRPF में 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, इस पर किसी का हक नहीं रहेगा, ठीक है ना। और नीचे लिखा गया है, जिसका फायदा उन्हें 1.30 लाख नई भर्ती में मिलने वाला है। दरअसल गृह मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के साथ कांस्टेबल के लगभग 1.30 लाख पदों पर भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नई भर्ती के तहत महिलाओं के लिए भी पदों की संख्या जारी की गई है। और नीचे लिखा गया है कि गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी मतलब GD के कुल 1,29,929 पदों की घोषणा की गई है, जिसमें सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप सी में महिलाओं के लिए 4,667 पद शामिल है। कहा गया है कि भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को यहाँ पर लिखा गया है, पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और नीचे लिखा गया है कि अग्निवीरों को एज लिमिट में छूट, CRPF की भर्ती के लिए आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है, लेकिन अग्निवीरों के लिए इसमें छूट दे दी गई है। अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, जबकि बाद के बैच के पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता मतलब PET जो दौड़ होता है उसमें भी छूट दी जाएगी।
दौड़ में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो लोग अग्निवीर रहेंगे 5 किलोमीटर तो फाड़ देंगे। नीचे लिखा गया कि आवेदन पात्रता और चयन प्रक्रिया, मतलब उन लोगों का चयन प्रक्रिया किस तरह से कराया जाएगा। लिखा गया कि कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए 10% वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण उम्मीदवार रिक्तियों के लिए आवेदन करने में पात्र हैं। फिजिकल, लिखित, मेडिकल और टेस्ट भी होंगे। उम्मीदवार को आगे की प्रक्रिया के पहले शारीरिक और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। देखो यार, जब शुरुआत में अग्निवीर का भर्ती चालू हुआ था उस टाइम ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला था कि आने वाले समय में जो पैरामिलिट्री फोर्स की भर्तियाँ कराई जाएंगी उसमें अग्निवीरों का कुछ सीट रिजर्व आएगा, अग्निवीरों को एज में छूट मिलेगा, दौड़ में छूट मिलेगा, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला था। मतलब इसीलिए सारे के सारे लड़के बौखला गए थे। मतलब साफ साफ बोल दिया गया कि मतलब एनसीसी वालों को छूट नहीं दिया जाएगा और भर्ती 4 साल की कराई गई है, सिर्फ 25% लोगों को रखा जाएगा और 75% लोगों को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अच्छा अच्छा न्यूज़ देखने को मिल रहा है, इसलिए जितने लोग अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए हो ना, लगे रहो मेरे भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोग मेरा एक बात दिमाग में बैठा लेना, अभी 25% लोगों को रखा जा रहा है ना, मतलब किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं दिया है, लेकिन हमारे भी मतलब संपर्क के बहुत सारे लोग फौजी, हमारे भी बहुत सारे दोस्त फौजी हैं। बातचीत करने से ये पता चलता है ना कि आने वाले समय में ये जो 25% है ना, ये बढ़कर 50% हो सकती है। मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ भाई, मतलब अभी तो पता नहीं चलेगा ना, अब जो कुछ भी होता है वो तो ऑटोमेटिक में होता है, मतलब तुरंत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, एक ही दिन में हो जाएगा। तो इसलिए भाई उदास होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोग सिलेक्शन लो, अंदर जाओ, ठीक है ना। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जितने लोगों का 17 तारीख को पेपर है ना, सभी लोग हमारे पास क्वेश्चन जरूर भेजना, मैं आप लोगों को बताया हूँ 15 तारीख को अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। तो आप सभी लोग अपना मोबाइल नंबर ले लेना, हमारा मोबाइल नंबर ले लेना, अपना मोबाइल नंबर दे देना, अपने यारों का नाम लिख कर और अपना नाम लिख कर भेजना है। मतलब दो दो क्वेश्चन सभी लोग को याद करके हमारे पास भेजना है, इससे हम सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी में लगे रहो भाई, ज़िंदगी नचाती है तब तक नाचते हैं हम लोग, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, अपने तरफ से 100% देना है, ठीक है ना। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप कोई काम सही करोगे तभी भी दुनिया गाली देगी, अगर कोई काम गलत करोगे तभी भी दुनिया गाली देगी। तो अपने मन का करो, किसी का नहीं देखो, अगर आपका एगो पैरवा टूट जाएगा चाहे हथवा टूट जाएगा ना, तो कोई मतलब आपके घर एक दो दिन हाल चाल पूछने आ जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर साथ नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप ही को अपना ज़िंदगी जीना है, इसलिए अपने मुंड से जियो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। जो लोग बोलते हैं ना 400 वाली भर्ती में नहीं जाओ, ये है वो है, तो भाई कान बंद कर लो, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है ना।